नमस्कार, खबरवादी में आपका स्वागत है। इंडियन नेशनल लोकदल की वरिष्ठ नेता जगजीत कौर पन्नू ने महिलाओं के लिए स्पेशल होली मिलन समारोह आयोजित किया। इस मौके पर सुनैना चौटाला मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। देखिए खबरवादी की स्पेशल रिपोर्ट, जुड़े रहिए खबरवादी के साथ। आज सभी का होली मिलन समारोह में बहुत बहुत स्वागत है और आपका बीच में हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती सुनैना चौटाला और हमारी प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा देवी जी दोनों आ गई हैं और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जोरदार ताड़ियां होनी चाहिए कि नहीं लगे कि सबसे ज्यादा क्रीड़ा वर्ग के लोग हमें काम करते हैं। आज क्योंकि महिला शक्ति जाग चुकी है, पिछले किसान आंदोलन में आपने ये प्रत्यक्ष रूप में दर्शाया कि यदि भारतीय नारी जाग जाए और यदि भारतीय नारी ठान ले तो वो तीन काले कानून क्या कुछ भी संभव कर सकती है। तीन काले कानूनों को वापस कराने में नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। मैं अनेकों बार बॉर्डर पे गई, जगजीत को वहां पे हमेशा पाया। जो योगदान मेरी बहन ने इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जो मजबूती दी, उसके लिए मैं जगजीत को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आज क्योंकि फिर से हमें हो सकता है एक लड़ाई और लड़नी पड़े, जैसा कि आपने पिछले दिनों विधानसभा में सुना होगा कि हमारे जो बुजुर्गों की पेंशन है उसके ऊपर कुठाराघात होने जा रहा है। आए दिन सरकार एक नई स्कीम निकालती है कि किस तरीके से बुजुर्गों के सम्मान राशि को या तो कम करें या फिर काट दें। ऐसे में अगर आप सब लोगों के साथ इस लड़ाई में अगर कोई खड़ी मिलेगी तो इंडियन नेशनल लोकदल वो नाम है जो हर मुसीबत में, जो हर बुराई के खिलाफ आपको अपने बीच खड़ी हुई मिलेगी। आज मैं आपसे वायदा करके भी जाऊंगी और वायदा लेके भी जाऊंगी। वायदा मैं ये लेके जाऊंगी कि यदि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार हमारे बुजुर्गों के सम्मान राशि में वो बात करते हैं काटने की, यदि वो एक रुपए की भी अगर कमी करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। और उस आंदोलन में मेरी सभी माताओं बहनों को जिस प्रकार किसान आंदोलन में आपने साथ दिया, मैं प्रत्येक का साथ यहाँ से मांग के जाऊंगी, आपसे वायदा लेके जाऊंगी। वहीं आपसे एक वायदा करने भी आई हूँ, क्योंकि आज मैं पिछली बार जब मैं फरीदाबाद में आई थी उससे आज 10 गुना की तादाद में जब मैंने महिलाएं देखी, मेरी बहनें देखी, तो मैं आपको सच्ची आत्मा से बताती हूँ कि मेरा दिल इतना खुश हुआ कि क्यों ना हमारे लिए भी कुछ हो। इसलिए आपसे वायदा करके जाती हूँ, आपकी हर मुसीबत में आपसे आगे खड़ी मिलूंगी, आपको पीठ नहीं दिखाऊंगी। ओम प्रकाश जी चौटाला ने एक और आपके लिए आशीर्वाद भेजा है। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से हमने बुजुर्ग सम्मान पेंशन लागू की और जिस वक्त वो लागू की गई थी उस वक्त ये कहा जाता था आदरणीय चौधरी देवीलाल जी को कि ये तो कैसे संभव कर सकते हैं, 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन ये संभव नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने एक ही बात बोली थी कि मैं 100 रुपए बुढ़ापा सम्मान और नीचे लिख दूंगा चौधरी देवीलाल, उसको कोई हिला नहीं सकेगा। इसलिए आपसे ये वायदा और आपको आशीर्वाद जो दिया ओम प्रकाश जी चौटाला ने, उन्होंने ये कहा है कि मैं प्रत्येक महिला के लिए, महिला जो चूल्हे तक सीमित रह जाती है, प्रत्येक महिला के लिए 2100 रुपए की सम्मान राशि बांटने का काम आपके सरकार बढ़ते ही दूसरे दिन से शुरू हो जाएगा। इसलिए आप सब लोग उठ खड़े हो, मजबूती दें इंडियन नेशनल लोकदल को, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कार्य के आधार पे आपके बीच वोट मांगने आती है। हम बिना काम के कोई चीज नहीं गिनवाते, हम बिना काम के कोई झूठे वायदे नहीं करते। ना मैं 15 लाख का वायदा आपसे करके जाऊंगी, ना मैं आपको मुफ्त सिलेंडर का वायदा करके जाऊंगी, ना मैं आपको नो
बारे में। अब नोटबंदी की मार से आप सबको याद आ गया होगा कि जो जमा पूंजी थी बुजुर्गों की वो भी निकल गई थी। इसलिए आप झूठे लोगों से सावधान रहना और कार्य के आधार पर वोट डालना। मैं हर जगह गई हूँ, मैंने एक बात एक प्रार्थना जरूर की है और प्रार्थना ये की है कि जितने भी प्लान होते हैं, हम पूरा 5 साल तक ये बात करते हैं कि ये कार्य उस सरकार में हुआ था, ये सड़क चौटाला साहब के राज में बनी थी, बुढ़ापा पेंशन चौधरी देवीलाल जी के राज में बनी थी, कन्यादान राशि चौधरी देवीलाल जी के राज में बनी थी, जच्चा बच्चा की स्कीम इंडियन नेशनल लोकदल ने लागू करी थी। हम पूरे 5 साल तक ये बात करते हैं, लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है तो ये जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं ये हमारे बीच में एक जहर छोड़ देते हैं और उस जहर का नाम है जात पात का। इसलिए आप लोग, जैसे कि मैंने कहा, होली का रंग तभी सजती है होली जब हर रंग दिखाई दे, और एक गुलदस्ता तभी अच्छा लगता है कि जब उसमें हर रंग का फूल दिखाई दे। इसलिए समाज एक वो गुलदस्ता है जिसमें हर वर्ग का फूल होना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर हमसे एक वर्ग भी दूर रहता है तो हमारी ताकत में कमी आती है। इसलिए हमें जात और पात से ऊपर उठ के कार्य के आधार पर वोट देना है। यदि आपको लगे इंडियन नेशनल लोकदल काम करती है तो आप वोट देना और जरूर देना, अपनों को ताकत प्रदान करना।